फिरोजाबाद के तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने एक वसूलीकर्ता को निकाल देने के लिए एसडीएम के साथ अभद्र व्यवहार किया। इतना ही नहीं, अधिवक्ताओं के समूह ने एसडीएम के साथ गाली गलौज तक की। एसडीएम ने जब इस घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की तब अधिवक्ताओं ने उनका मोबाइल तक छीन लिया, जिसके बाद दोनों के बीच काफी नोकझोंक भी हुई। मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम चंद्र विजय सिंह ने बताया कि एसडीएम से बातचीत के बाद अब मामले की तफ्तीश की जा रही है। नहीं, ये जो है यहाँ पर तहसील के जो अधिवक्ता हैं, आज एक साथ एकत्रित होकर मेरे कक्ष में आए और कक्ष में आके बहुत ही तेज तेज आवाज़ में बोलने लगे। मैंने बोलने का कारण पूछा तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ पर व्यवस्था बनाते नहीं है, सब बिगाड़ते हैं। इस प्रश्न के बारे में जब मैंने इनसे पूछा कौन सी व्यवस्था मैंने बिगाड़ी है, तो ये बोले कि आपने दलवीर को क्यों हटाया। दलवीर हमारे यहाँ पर एक सीजनल संग्रह सेवक है जिसका काम वसूली में जाने का है, और वो काफ़ी दिनों से यहाँ पर आरके कार्यालय में तहसीलदार के आदेश से अटैच चल रहा था, और तहसीलदार के आदेश के द्वारा ही उसके जो ये यहाँ पर अटैचमेंट था वो ख़त्म कर दिया गया है वर्तमान तहसीलदार के द्वारा। उसके बावजूद भी वो यहाँ तहसीलदार के कार्यालय में बैठ रहता था और वसूली में नहीं जाता था, इसी के लिए उससे कहा गया था कि आप वसूली में जाइए। उसके बाद सभी वकील यहाँ पर आए, उन्होंने बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। मैंने उनकी रिकॉर्डिंग शुरू की तो मेरा मोबाइल भी छीनने का प्रयास उन्होंने करा, उसके बाद अभद्रता की, बाहर जाके गाली गलौच भी करने लगे। तो मैंने उनसे यही कहा था कि व्यवस्था में कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कह सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से अभद्रता करने के लिए नहीं आए यहाँ पर। उसके बाद वो चले गए, पुनः मेरे कमरे में आ गए बाहर से आके। ये सदर तहसील सदर का मामला भी, एसडीएम साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि कुछ वकीलों के साथ उनकी कुछ आपस में कहा सुनी हुई है किसी इश्यू को लेके, और ये किसी अभी मैं मामले की जांच करा रहा हूँ क्या मामला है।